क्लास 10th आईटी के एग्जाम में मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था और पिछले 3 साल से इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद मैं ये बात बोल सकता हूँ कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 10th आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अगर तुम इन क्वेश्चंस को कर लेते हो और कंप्लीट आईटी सिलेबस इन वन वीडियो, इन दो वीडियोस को देख लेते हो, तो सिर्फ इन दो वीडियोस से तुम आईटी के बोर्ड एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 इजीली स्कोर कर पाओगे। स्टार्ट करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चन से, देन 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन करेंगे, एंड में हम करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन। 1 मार्क वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं आईटी एग्जाम में, जैसे कि 2024 के सैंपल पेपर में तुम देख सकते हो। आईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर्स की ये पीडीएफ जो हम इस वीडियो में यूज कर रहे हैं वो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। तो एक डिस्कशन स्टाइल साइट जिसकी मदद से हम पर्सनल वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं उसे हम ब्लॉग कहते हैं। ब्लॉग्स आर सिमिलर टू अ ऑनलाइन पर्सनल डायरी, तो इसे तुम एक ऑनलाइन पर्सनल डायरी भी कह सकते हो जिसकी मदद से तुम मैसेज कन्वे कर सकते हो इवेंट्स के बारे में, अनाउंसमेंट के बारे में, या कोई न्यूज शेयर कर सकते हो, रिव्यू शेयर कर सकते हो और अपनी ही एक कम्युनिटी फॉर्म कर सकते हो। दो ऐसी वेबसाइट जो फ्री ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो है wordpress.com और blogger.com। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन डेटाबेस। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL का इस्तेमाल होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल को क्रिएट करने के लिए या डिलीट करने के लिए या फिर ऑल्टर करने के लिए। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML का इस्तेमाल होता है डेटाबेस में जो डेटा मौजूद है उसको एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए। यहाँ पे हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं और यहाँ पे जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट में डेटा है उसे एक्सेस करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। यही सेम चीज तुम्हें फिलअप में पूछी जा सकती है जिसमें तुम्हें फिल करना होगा कि कौन सी लैंग्वेज से क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ डैश इज अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन अ डेटाबेस। तो स्ट्रक्चर्स को जो डिफाइन कर रही है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वहीं पे अगर हम डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करने की बात करें तो वो होता है DML की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि क्लाइंट्स को सर्व करता है इन्फॉर्मेशन, राइट। यहाँ पे जो बाकी कंप्यूटर्स हैं वो इक्वली कॉम्पिटेंट नहीं है, ये वाले कमजोर है और मेन जो सर्वर है वो पावरफुल है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वो एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं आंसर कैसे लिखना है हमें। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। यानी कि सारे जो टर्मिनल्स हैं वो इक्वली पावरफुल है। वहीं अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इस नेटवर्क में कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनके कुछ स्पेशल डेडिकेटेड टास्क होते हैं जो कि जो बाकी कंप्यूटर्स हैं उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जो कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे हम सर्वर्स कहते हैं, यानी ये मेन कंप्यूटर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और जो बाकी कंप्यूटर्स हैं जो कि सर्विसेज मांगते हैं या रिसीव करते हैं उन्हें क्लाइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव अ लिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। तो मैंने 5 लिखे हुए हैं, इनमें से तुम 4 याद कर सकते हो, जैसे क्लिनिकल एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल डिजीज और इलनेस, एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट। इसमें समझाने जैसा ऐसा कुछ है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर कुकीज? तो कुकीज होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा जो कि वेबसाइट स्टोर करते हैं हमारे ब्राउजर पे। तो कुकीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा स्टोर्ड बाय वेबसाइट्स ऑन योर ब्राउजर। जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसमें हमें एक ऐसा नोटिफिकेशन मिलता है कि एक्सेप्ट कुकीज। तो जब हम कुकीज को एक्सेप्ट करते हैं तो जो भी हम वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं वो वेबसाइट हमारे ब्राउजर पे कुछ स्मॉल डिटेल्स स्टोर करती है। क्या क्या डिटेल्स वो स्टोर करती है? वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है जैसे कि प्रेफरेंसेस, लॉगिन डिटेल्स, शॉपिंग कार्ट आइटम्स, जिससे कि वो हमारे ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कर सके। कुकीज का डिसएडवांटेज ये है कि अगर तुम किसी अनसिक्योर वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो और अगर वो तुम्हारी कार्ड डिटेल्स को स्टोर कर लेता है तो उन कार्ड डिटेल्स का मिसयूज करके वो तुम्हारे पैसे भी चुरा सकता है, राइट। इसके बारे में हम आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक और बार देखेंगे क्योंकि कुकीज वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन 1-to-many रिलेशनशिप टू रिलेट 2 tables इन अ डेटाबेस। एक डेटाबेस में 2 tables को रिलेट करने के लिए 1-to-many रिलेशनशिप की बात हमें करनी है इसमें, ठीक है। तो ये एक टेबल ए है और ये टेबल बी है, इसमें काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं और इसमें भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं। तो 1-to-many रिलेशनशिप क्या होता है? अ 1-to-many रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन अ रिलेशनल डेटाबेस व्हेन 1 row इन टेबल ए इज लिंक्ड टू 2 many rows इन टेबल बी। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑथर्स टेबल है और ये बुक की टेबल है। तो हमने डेफिनेशन में देखा कि 1 row इन टेबल ए इज लिंक्ड टू 2 many rows इन टेबल बी। तो इसकी जो एक रो है, फॉर एग्जांपल ये वाली या ये वाली, तो ऑथर तो एक ही होगा बट उसकी मल्टीपल बुक्स हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली जो रो है इट इज लिंक्ड टू 2 multiple rows इन टेबल बी, यानी कि ये 1-to-many रिलेशनशिप है। वो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इन लाइब्रेरी डेटाबेस 1 author कैन हैव मल्टीपल बुक्स। सो इन द ऑथर्स टेबल ईच ऑथर, यानी कि जो एक रिकॉर्ड है वो, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ये एक रिकॉर्ड है, कैन बी रिलेटेड टू मल्टीपल बुक्स, क्योंकि वो मल्टीपल बुक्स का ऑथर हो सकता है,
राइट इन द बुक्स टेबल। और ये जो दो टेबल्स हैं वो एक कॉमन आइडेंटिफायर के थ्रू जुड़े होते हैं एक दूसरे से, जैसे कि ऑथर आईडी एक कॉलम है टेबल ए में और टेबल बी में भी ऑथर आईडी है जो यूनिकली ऑथर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और दोनों टेबल को लिंक भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा रिडंडेंसी। डीबीएमएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा कंसिस्टेंसी मींस कीपिंग ऑल द डेटा इन अ डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉलोइंग द सेम सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। यानी जो भी डेटाबेस में तुम्हारा डेटा स्टोर्ड है वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टोर्ड हो और पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो। अगर तुम पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो उससे डेटा की जो एक्यूरेसी है वो खराब होती है। जैसे डेट को स्टोर करने के दो मेथड्स हो सकते हैं, बट हमें डेटाबेस में डेट स्टोर करने के लिए एक ही रूल एस्टैब्लिश करना होगा जिसकी मदद से हम डेट स्टोर करेंगे डेटाबेस में। क्योंकि अगर हम दोनों मेथड्स का यूज करके डेट सेव करने लगेंगे तो डेटा कंपैरिजन के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि 13 डे है और यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि मंथ 13 चल रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि तुम एक ही रूल फॉलो करोगे डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा की डुप्लीकेसी। डेटा रिडंडेंसी रिफर्स टू द अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा विद इन अ डेटाबेस। इट मींस हैविंग द सेम इन्फॉर्मेशन रिपीटेड अननेसेसरली इन अ डेटाबेस। यानी एक डेटाबेस में एक ही इन्फॉर्मेशन की मल्टीपल अननेसेसरी कॉपीज स्टोर हो जाना, ये होता है डेटा रिडंडेंसी। बट डीबीएमएस इसे सॉल्व करता है, वो एक फाइल की मल्टीपल कॉपीज को डेटाबेस में नहीं आने देता है। बट हमें तो डेटा कंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी एक्सप्लेन करना था, तो हम वन वन लाइनर में एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि 2 marker क्वेश्चन है। राइट राइट एनी 4 rules which is to be followed for creating strong password. Strong password create करने के लिए कुछ ऐसे 4-5 rules हमें mention करने हैं। Strong password create करने के लिए हमें password की length 12 से 14 character के बीच में रखनी चाहिए। हमें password को बहुत common नहीं रखना चाहिए, repetitive words, dictionary word या number letter sequences 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं रखना चाहिए। कोई particular user name या relative का नाम हमें नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो easy to guess होता है। हमें password को hard to guess बनाना होता है, जिसके लिए हम उसमें numbers include करते हैं, symbols include करते हैं, अपर केस लोअर केस लेटर्स इंक्लूड करते हैं। और सेम पासवर्ड हमें हर जगह नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर एक साइट का हमारा डेटा हैक हुआ तो क्योंकि हमने सेम पासवर्ड यूज किया होगा तो बाकी साइट्स का डेटा भी हमारा हैक हो जाएगा। तो इन कुछ रूल्स को फॉलो करके हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो और इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है, रिवाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 roles ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के 2 roles के बारे में हमें बात करनी है। पहला है इनोवेटर रोल, यानी कि वो नए नए आइडियाज और प्रोडक्ट्स इन्वेंट करते रहता है और लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग आइडियाज इन्वेंट करता है। राइट दूसरा है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अपने बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए एंटरप्रेन्योर को लोग चाहिए होते हैं, तो वो उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है। अब यही चीज हमें इंग्लिश में अपने आंसर शीट में लिख के आनी है। फॉर एग्जांपल, एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट बाय ब्रिंगिंग यूनिक एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनटू मार्केट। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज लीड्स टू जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेरियस ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स आर नीडेड टू रन अ बिजनेस इफेक्टिवली। यानी बिजनेस को रन करने के लिए काफी सारे लोगों की हमें जरूरत पड़ती है, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। राइट हेंस द एंटरप्रेन्योरशिप solves the problem of unemployment, which is a major problem in economic development. इसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करके अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू अ डिस्कशन स्टाइल साइट, ये हमने पहले देखा था अभी। अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। 2 examples हमें देने हैं उन वेबसाइट्स के जिनकी मदद से हम इन डिस्कशन स्टाइल साइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। पहला है wordpress.com और दूसरा है blogger.com। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिस्ट एनी 2 challenges टू फुलफिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए 2 challenges को हमें यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है। पहला है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, दूसरा है प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर। ये सारी चीजें हमने कंप्लीट IT सिलेबस इन 1 video में देखी हुई है, तो उसे तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हो, जिसमें हमने IT के सारे चैप्टर्स 1 video में कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। तो लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक स्मॉल एरिया को कवर करता है, जैसे सिंगल बिल्डिंग या कैंपस। अब क्योंकि ये बहुत स्मॉल एरिया को कवर करता है तो इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। लैन ऑफर्स फास्टर स्पीड्स एंड लोअर लेटेंसी फॉर लोकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है वाइड एरिया, यानी कि ये लार्जर एरिया को कवर करेगा, जैसे सिटीज, कंट्रीज या इवन कॉन्टिनेंट्स को ये कनेक्ट करता है। इसकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो होती है क्योंकि लार्जर डिस्टेंसेस के अक्रॉस हम इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, बट फायदा क्या है कि ये वाइड एरिया को कवर करता है। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक्सप्लेन एनी 2 types ऑफ रिलेशनशिप दैट कैन बी क्रिएटेड इन अ टेबल। तो टेबल में बेसिकली हमने 3 type की रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा था 1 short video में। 2 के बारे में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 1-to-many रिलेशनशिप के बारे में हमने ऑलरेडी अभी पिछले क्वेश्चन में देखा। 1-to-many रिलेशनशिप मीन्स 1 row इन अ टेबल कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल रोज इन अनदर टेबल। ऑथर और बुक्स टेबल की हमने बात करी थी,
कि ऑथर की एक रिकॉर्ड मल्टीपल बुक रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो सकती है और ये कनेक्टेड होगी थ्रू अ कॉमन कॉलम, ठीक है। व्हेन ईच ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट टेबल यानी टेबल ए के सारे रिकॉर्ड्स कैन बी एसोसिएटेड विद वन और मोर रिकॉर्ड्स ऑफ द सेकंड टेबल यानी टेबल बी में वो एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड से कनेक्टेड है। टेबल ए के हर एक रिकॉर्ड टेबल बी के एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड से कनेक्टेड है। एज वेल एज सिंगल रिकॉर्ड ऑफ द सेकंड टेबल मे ऑल्सो बी रिलेटेड टू वन और मोर रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्स्ट टेबल। इसी के साथ साथ टेबल बी का भी जो एक रिकॉर्ड है वो भी टेबल ए के मल्टीपल रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो सकता है यानी मैनी टू मैनी। ये है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या था कि एक रिकॉर्ड यहाँ के मल्टीपल रिकॉर्ड से कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप विद वन पॉइंट ओनली। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज प्राइमरीली रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इनपुट्स एंड प्रोडक्ट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स को उसके इनपुट्स को प्रोड्यूस करने के रिलेटेड और उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती हैं। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्शन आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप से मतलब है उन इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना जिनमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो ट्रेडिंग हो रही हो या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या प्रोडक्शन हो रहा हो ऑन अ स्मॉल स्केल या माइक्रो स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन 4 R's एंड 1 U ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ग्रीन स्किल यूनिट में हमने 3 R's पढ़े थे रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल। फोर्थ वाला अभी हम पढ़ेंगे। रिड्यूस मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हमें कम करना या मिनिमाइज करना। रीयूज यानी मटेरियल्स को एक से ज्यादा बार यूज करना ना कि उन्हें सिंगल यूज करके डिस्पोज कर देना। रिसाइकल मतलब वेस्ट मटेरियल को यूजेबल मटेरियल्स में कन्वर्ट करना जिससे नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन है वो कम होगा। रिप्लेनिश यानी टू रिस्टोर और रिप्लेनिश नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम दैट हैव बीन डिप्लीटेड और डैमेज्ड यानी वो रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं उनको रिस्टोर या रिप्लेनिश करना। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन की वजह से किसी फॉरेस्ट का पूरी तरीके से क्लियर हो जाना उसे रिप्लेनिश करने के लिए हमें एफॉरेस्टेशन करना होगा यानी और पेड़ लगाने होंगे। वन यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है यूज वाइजली जो इस बात पे एम्फेसाइज करता है कि हमें रिसोर्सेज का एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल यूज करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनना। फॉर्म प्रोवाइड्स द यूजर विद अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेस। एक फॉर्म यूजर को डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सिस्टमैटिक तरीका प्रोवाइड करता है। इसका जो इंटरफेस होता है वो भी यूजर स्पेसिफाइड होता है जिसकी मदद से डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल में स्टोर हुआ डेटा को यूजर देख सकता है उसमें एंटर कर सकता है या चेंज भी कर सकता है। रिपोर्ट हेल्प करती है हमें टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज मैनर यानी कि जो भी डेटाबेस टेबल्स में पूरा डेटा अवेलेबल है उसकी हमें समरी मिलती है रिपोर्ट्स के थ्रू। इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। इसका सिंपल एग्जांपल है तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड जो कि तुम्हारी पूरी साल भर की मेहनत को समराइज तरीके से बताता है कि ओवरऑल जो वर्क आउटकम है वो कैसा है और उसे वो दिखाता है इन अ क्लियर फॉर्मेट फॉर एग्जाम्पल ए प्लस ग्रेड देके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रविंदर वांट्स टू क्रिएट अ टेबल इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में रविंदर एक टेबल बनाना चाहता है जिसमें वो क्रिकेट प्लेयर्स की डिटेल स्टोर करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें नेम करना है ऐसे 4 columns अलोंग विद देयर डेटा टाइप्स जो कि वो इस टेबल में डाल सकता है। तो सबसे पहला वो कॉलम डालेगा प्लेयर आईडी जिससे हर एक प्लेयर को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके लिए डेटा टाइप यूज होगा इंटीजर यानी प्लेयर आईडी में नंबर 1 नंबर 2 ये सारी चीजें वो स्टोर कर रहा होगा राइट। नेक्स्ट कॉलम इज प्लेयर नेम। इस कॉलम में वो प्लेयर का नेम डालेगा और इसके लिए हम डेटा टाइप यूज करेंगे वारचार। इसके बाद हम एक लेंथ स्पेसिफाई कर देंगे फॉर एग्जांपल 255। वारचार 255 का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर करी जा सकती है। अगर हम 255 से कम की स्ट्रिंग स्टोर करेंगे फॉर एग्जांपल सौरभ नाम हम स्टोर करेंगे तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो डेटाबेस में सिर्फ इतना ही डेटा ऑक्यूपाई किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे कैर डेटा टाइप यूज करते हैं और उसका हम मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई करते 255 और उसके बाद हम सौरभ को एंटर करते इन द नेम तो भले ही हम 7 कैरेक्टर्स ही यूज कर रहे होते बट इसमें स्टोरेज कितनी यूज होती 255 कैरेक्टर्स के बराबर। तो इसलिए हम वारचार 255 का यूज करेंगे जिसमें हम मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई कर देंगे उसके बाद हम जितने भी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग इसमें डालेंगे सिर्फ उतनी ही स्टोरेज वो डेटाबेस में ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट कॉलम इज स्कोर। इसमें हम स्कोर स्टोर करेंगे प्लेयर का तो इसके लिए हम डेटा टाइप यूज करेंगे इंटीजर फॉर एग्जांपल 50, 51। नेक्स्ट कॉलम हो सकता है डेट ऑफ बर्थ जिसके लिए डेटा टाइप यूज होगा डेट। तो इन डेटा टाइप्स को याद कर लेना इनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें हमें कॉलम नेम आइडेंटिफाई करना है और उनका डेटा टाइप बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने तुम्हें वारचार और चार के बारे में एक्सप्लेन किया था वो चीज अब इस वाले क्वेश्चन
में यूज होगी। कॉलम नेम तो यहाँ पे सीधे सीधे दिए हुए हैं, इसको तो तुम खुद भी देख सकते हो, राइट। मेन बात होती है डेटा टाइप डिफाइन करने की। इसमें डेटा टाइप है वारचार या चार, अगर तुम इसमें कैरेक्टर डेटा टाइप भी यूज करोगे और 1, 2, 3, 4 इसकी लेंथ 4 स्पेसिफाई कर दोगे तो ये भी एक करेक्ट आंसर होगा, और अगर तुम वारचार यूज करोगे और उसमें 4 लिख दोगे तो वो भी सही होगा। नेक्स्ट इज नेम। नेम स्टोर करने के लिए हम वारचार का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है नेम वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है, किसी का नाम बड़ा है किसी का छोटा है, तो हम एक मैक्सिमम नंबर डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 100, किसी का नाम 100 से बड़ा तो होगा नहीं, 100 कैरेक्टर से बड़ा, तो वेरिएबल कैरेक्टर्स हम नेम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स होंगी। रन्स को स्टोर करने के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा था, तो रन्स को स्टोर करने के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज करेंगे। जेंडर, हमने इसमें मेल और फीमेल ही स्टोर करना है, राइट, एक ही वर्ड हम स्टोर कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें char1 ये लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ स्टोर करने के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था डेट डेटा टाइप यूज होता है, डेट ऑफ बर्थ स्टोर करने के लिए डेट डेटा टाइप यूज होगा। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस कॉजल एजेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो मेंटल स्ट्रेस हमें किस वजह से होता है, फॉर एग्जांपल एग्जाम्स आने वाले हैं या बहुत सारा असाइनमेंट हमें मिला हुआ है। सोशल स्ट्रेस हो सकता है, मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, दोस्ती टूट गई है, या पीयर प्रेशर की वजह से तुम्हें सोशल स्ट्रेस हो सकता है, तो ये तुम खुद भी लिख सकते हो, इसमें याद करने वाली चीज ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जस्ट लाइक फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में भी चीजें बहुत बार पूछी जाती हैं। तो फाइल इज अ डिजिटल कंटेनर, एक डिजिटल कंटेनर जिसमें डेटा स्टोर होता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज और कोड। और फाइल को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय अ यूनिक नेम एंड एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल एक इमेज फाइल है तो उसका कुछ नाम होगा और एक्सटेंशन होगा .png या .jpg। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होगा .txt, पहले उसका नेम होगा और फिर .txt एक्सटेंशन होगा। तो फाइल एक डिजिटल कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर होता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज और कोड, और इसे आइडेंटिफाई किया जाता है बाय अ यूनिक नेम और एक एक्सटेंशन, ठीक है। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे तुम अलग अलग फोल्डर्स को रख सकते हो या फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हो। तो फोल्डर इज अ कंटेनर डेट होल्ड्स फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स, एडिंग इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में ये हमारी मदद करता है फोल्डर्स। और फाइल क्या होती है, एक डिजिटल कंटेनर जिसमें अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, इमेज या कोड। गिव एनी टू क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की दो क्वालिटीज बतानी। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप पे भरोसा रखते हैं, नए नए आइडियाज ट्राई आउट करते रहते हैं, पेशेंट होते हैं और हार्डवर्किंग होते हैं। इसमें से तुम कुछ भी लिख सकते हो या अपने मन से भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गिव एनी टू फंक्शंस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या करते हैं। वो अपने बिजनेस के बारे में डिसीजंस बनाते हैं कि क्या हमें प्रोड्यूस करना है, क्या सेल करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना सेल करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, कहाँ सेल करना है, राइट। क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा नई नई चीजें ट्राई आउट करते रहता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वो ढूंढता है नए तरीके जिससे वो अपने प्रॉफिट्स को और बढ़ा पाए, एक नया आइडिया जो उसके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेम्पलेट इन ओपन ऑफिस राइटर। तो टेम्पलेट का प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है और फॉर्मेटिंग होता है, और उसकी मदद से तुम अलग अलग सिमिलर टाइप के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो क्योंकि उसका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग होता है, उस वजह से जो भी तुम उससे डॉक्यूमेंट बनाओगे उसमें कंसिस्टेंसी आएगी, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, उसमें किस तरीके का फॉन्ट होगा, क्या कलर होगा, क्या स्पेसिंग होगी, वो फॉर्मेटिंग भी तुमने डिसाइड करी हुई है। तो इस वजह से जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट बनेगा उसकी फॉर्मेटिंग और लेआउट काफी कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि उसका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, फॉर्मेटिंग है, तो उसकी मदद से तुम सिमिलर टाइप के डॉक्यूमेंट्स और भी क्रिएट कर सकते हो। तो एक बार तुमने टेम्पलेट बना दी, उसका इस्तेमाल करके तुम बाकी डॉक्यूमेंट्स इजिली क्रिएट कर सकते हो सिमिलर टाइप के। फॉर एग्जाम्पल तुमने रिपोर्ट कार्ड का एक फॉर्मेट डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे स्टूडेंट की फोटो, यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे ग्रेड्स होंगे, यहाँ पे सिग्नेचर होगी प्रिंसिपल की, तो इसकी मदद से अगला डॉक्यूमेंट भी तुम सिमिलर टाइप का क्रिएट कर सकते हो, जिसमें तुम्हें बस डिटेल्स चेंज करनी और फॉर्मेटिंग और जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा तुम्हारा, राइट। यानी तुम उसे रीयूज कर सकते हो, और क्योंकि तुमने इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, फॉर्मेटिंग डिफाइन कर रखी है, तो जो डॉक्यूमेंट बना वो भी काफी कंसिस्टेंट बने हुए हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू मर्ज वर्कशीट, अलग अलग वर्कशीट को मर्ज करने की क्या जरूरत होती है, वो पूछ रहा है। वी नीड टू मर्ज वर्कशीट टू कंसोलिडेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू वन। मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को एक सोर्स पे कंसोलिडेट करने के लिए हमें वर्कशीट को मर्ज करना पड़ता है। इससे हमारे लिए डेटा को एनालाइज करना और कंपेयर करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्राइमरी की एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी की क्या होती है, एक ऐसी की जो कि हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है स्टूडेंट्स की, यहाँ पे अंकित नाम है, फिर अखिल नाम है, फिर एक और अखिल नाम है। अब इन दोनों अखिल को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो हम इन्हें एक रोल नंबर असाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3।
तो ये एक कॉलम जो कि रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, इसे हम प्राइमरी की कहते हैं। इट एंश्योर्स दैट ईच रो इन अ टेबल इज डिस्टिंक्ट एंड कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। इससे हम हर एक रिकॉर्ड को, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी टेबल में। फॉरेन की क्या होती है? अ फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट लिंक्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। यानी मान लो ये स्टूडेंट्स टेबल है और ये इनकी लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स टेबल है, जहाँ पे ये कौन सी बुक ले जा रहे हैं, कब ले जा रहे हैं, ये वाला डेटा स्टोर्ड है। तो जब प्राइमरी की कॉलम टेबल टू में यूज होगा और ये टेबल वन को लिंक कर रहा होगा, तो इस टेबल में इसे हम फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट लिंक्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। इससे दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर होती है और डेटाबेस में कंसिस्टेंसी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन व्हेन। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो तुम इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और इसे रीड कर सकते हो, राइट? रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटीज एज वायर्ड और वायरलेस। तो डायल अप होता है वायर्ड और WiMAX वायरलेस होता है। ये हमने वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी वाले पार्ट में डिस्कस किया था और IT का जो कंप्लीट वन शॉट वाली वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, तो उसे तुम जरूर देख लेना। ये सारी चीजें हमने वहाँ पे कवर करी हुई है डिटेल में। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा, गिव एनी वन फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का एक फीचर हमें बताना है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग का एक फीचर ये है कि रियल टाइम कम्युनिकेशन हो पाता है, जल्दी जल्दी हम मैसेजेस एक दूसरे को भेज पाते हैं, फिर चाहे हम कहीं भी बैठे हो, राइट? वन फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग इज रियल टाइम कम्युनिकेशन, allowing users to exchange message instantly with each other, often through text-based chat, regardless of their geographical location. 3 marker questions हैं। Forms, reports ये हमने already discuss कर लिया, ये important part भी है। अभी हम table के बारे में देखेंगे क्योंकि ये चीज हमने already ऊपर दिखी हुई है। Table क्या होता है? Table is a collection of data elements जिसमें vertical columns होते हैं और horizontal rows होती है, जिसके अंदर हम required जो information है वो stored करते हैं। Vertical columns, horizontal rows, जिसमें अलग अलग data information stored होती है। इसे तुम कलेक्शन ऑफ सेल्स भी कह सकते हो, क्योंकि जो वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज के इंटरसेक्शन से बनता है उसे हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन 3 डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस। डेटा टाइप वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। पहला डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है दो ही चीजों को, या तो ट्रू फॉल्स, यस नो, राइट? यानी या तो चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यस होगा या नो होगा, हाई होगा या लो होगा, जीरो होगा या वन होगा। बेसिकली बाइनरी वैल्यूज होती हैं इसमें। इट इज यूज फॉर स्टोरिंग बाइनरी डेटा विच कैन बी आइदर ट्रू, ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं वन से, या फिर फॉल्स, जीरो। नेक्स्ट हमारा इंटीजर डेटा टाइप, जिसकी मदद से हम होल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्कोर को स्टोर करने के लिए इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया था। नेक्स्ट हमारा वारचार यानी वेरिएबल कैरेक्टर। इसमें हम कैरेक्टर स्ट्रिंग्स स्टोर करते हैं जिनकी वेरिएबल लेंथ होती है, फॉर एग्जाम्पल नेम को स्टोर करने के लिए। अब नेम में जो कैरेक्टर्स की लेंथ है वो वेरी करती है, इसलिए उसे स्टोर करने के लिए वारचार का यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। राधिका इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग एंड वॉन्ट्स टू शेयर हर कुकिंग टिप्स विद द वर्ल्ड। वन ऑफ हर फ्रेंड सजेस्टेड हर टू स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग्स। इंपॉर्टेंट है, बोला था ना ब्लॉग के बारे में। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ब्लॉग। तो ब्लॉग का पर्पज हमें एक्सप्लेन करना है। द पर्पज ऑफ ब्लॉग इज टू लेट पीपल शेयर देयर थॉट, स्टोरीज और नॉलेज विद अदर्स ऑनलाइन। ठीक है, एक डिस्कशन स्टाइल साइट होती है ब्लॉग, जिसकी मदद से तुम इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हो, अपने थॉट शेयर कर सकते हो, स्टोरीज या नॉलेज शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, राइट? इट इज लाइक एन ऑनलाइन डायरी और मैगजीन विच सर्व एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड बिल्डिंग कम्युनिटीज अराउंड कॉमन इंटरेस्ट और टॉपिक। इसकी मदद से तुम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो और कम्युनिटीज बिल्ड कर सकते हो कॉमन इंटरेस्ट के अराउंड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 ऐसी वेबसाइट्स हमें बतानी है जो कि ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इजी है, वर्डप्रेस और blog.com, wordpress.com, blogger.com। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर की मदद से यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और एडिट करते हैं ब्लॉग पोस्ट को विदाउट रिक्वायरिंग एन इंटरनेट कनेक्शन वंस दे आर बैक ऑनलाइन। अब जैसे ही तुम्हें इंटरनेट मिला, तुम अपने जो ब्लॉग्स हैं उसे पब्लिश कर सकते हो किसी भी वेबसाइट पे या ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे। इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेम एनी 2 फ्री ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स का एग्जांपल देना है क्यूमाना, ब्लॉग डेस्क और ब्लॉग जेट। इनमें से याद कर लो 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरी डेवलपमेंट हैज एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। विद द एनहांस यूज ऑफ इंटरनेट देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट ऑल ऑफ अस आर फेसिंग दीस डेज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेट सिक्योरिटी? नेम एंड एक्सप्लेन एनी 1 ऑनलाइन थ्रेट। तो इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में हमें बताना है और 1 ऑनलाइन थ्रेट के बारे में हमें बताना है, ठीक है?
इंटरनेट सिक्योरिटी रेफर्स टू द मेजर्स टेकन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम्स नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस साइबर अटैक्स एंड अदर ऑनलाइन थ्रेट्स। यानी इंटरनेट के थ्रू जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क को खतरा है उन सभी चीज़ों से कंप्यूटर सिस्टम्स को और नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मेजर्स लिए जाते हैं वो हमारे इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। उन मेजर्स की मदद से हम अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक सकते हैं, साइबर अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को और अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने डेटा को चुराने से बचा सकते हैं और ऑनलाइन थ्रेट से बच सकते हैं। एक ऑनलाइन थ्रेट है मालवेयर। One of the online threat is malware. Malware is a malicious software designed to infiltrate and damage computer system, steal sensitive information and gain unauthorized access to a network. Malware एक ऐसा software होता है जो कि हमारे computer system को damage कर सकता है, हमारी sensitive information को चुरा सकता है और एक network पर अपनी unauthorized access gain कर सकता है। यानी बिना परमिशन के हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। टू बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ओवर इंटरनेट आर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बारे में हमने ऑलरेडी ऊपर देखा था। यूज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स फॉर योर ऑनलाइन अकाउंट्स इंक्लूडिंग अ मिक्स ऑफ अपर केस लोअर केस नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। Install and regularly update the antivirus software on your device to protect against malware, viruses and other online threats. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में मलेशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करता है और उसे रिमूव करता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफगार्ड करता है। तो इंटरनेट पे अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए और उसे रेगुलरली अपडेट भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन 4 डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस। अब ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया है जिसमें हमने बुलियन इंटीजर वारचार की ऑलरेडी बात कर ली है। तो तुम पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना और इन क्वेश्चंस को याद भी कर लेना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड करो और वीडियो खत्म होने के बाद इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर से कर लेना, ठीक है। एक और डेटा टाइप की बात करते हैं जो कि है कैरेक्टर। 4 डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पेसिफिक यूजर डिफाइंड लेंथ। इट इज यूजफुल फॉर स्टोरिंग डेटा विद अ कांस्टेंट लेंथ लाइक फोन नंबर और पोस्टल कोड्स। यानी कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज होता है और इसका हम यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि डेटा की जो लेंथ है वो फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल हम फोन नंबर स्टोर कर रहे हैं तो इंडियन फोन नंबर यूजुअली 10 कैरेक्टर्स के होते हैं, तो हम CHAR ये डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें 10 लेंथ ही आएंगी और फोन नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम ये वाला डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। बट नेम्स जब हम स्टोर करते हैं तो क्योंकि उसमें वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ होती है, यानी किसी का नेम में कैरेक्टर स्ट्रिंग बड़ी होती है किसी में छोटी होती है, तो उस केस में हम वारचार यूज करते हैं। इंटीजर स्टोर करने के लिए यानी कि होल नंबर स्टोर करने के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज करते हैं और बुलियन का यूज होता है बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल 0 या 1 को स्टोर करने के लिए ट्रू फॉल्स जिसमें दो ही वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू पोजीशनिंग द ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। पहला है अरेंजमेंट, दूसरा है टेक्स्ट रैपिंग। अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अरेंजमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक ऑन अ इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। यानी किस तरीके से जो ग्राफिक्स हैं वो एक के ऊपर एक स्टैक्ड हो रखे हैं। अरेंजमेंट कंट्रोल्स हाउ द ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। यानी कि एक डॉक्यूमेंट है उसमें टेक्स्ट भी है और ग्राफिक्स भी है, तो टेक्स्ट रैपिंग की मदद से हम ये डिफाइन करते हैं कि ग्राफिक्स के अराउंड किस तरीके से टेक्स्ट को रखा जाएगा। क्या वो ग्राफिक के ऊपर आएगा, साइड में आएगा, पीछे आएगा और उसके ऊपर ग्राफिक आएगा, वो चीज़ हम टेक्स्ट रैपिंग की मदद से डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस इंक्लूड अलाउइंग टेक्स्ट टू रैप अराउंड द ग्राफिक, प्लेसिंग द ग्राफिक इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट और अलाउइंग टू टेक्स्ट टू फ्लो ओवर और अंडर द ग्राफिक, राइट। यानी कि टेक्स्ट किस तरीके से ग्राफिक के साथ अरेंज होगा एक डॉक्यूमेंट में, वो टेक्स्ट रैपिंग की मदद से हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्प्रेडशीट। पहला इसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और दूसरा है इंटरनेट हाइपरलिंक और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक समझने के लिए दो फोल्डर्स हम क्रिएट कर लेते हैं। इन दो फोल्डर्स के अंदर हमारी अलग अलग फाइल्स स्टोर्ड है स्प्रेडशीट वाली। एक फाइल ये है, एक फाइल ये है और इसमें एक फाइल ये है, ठीक है। तो रिलेटिव हाइपरलिंक एक ऐसी लिंक होती है जो कि सेम स्प्रेडशीट पे लिंक कर रही होती है किसी डिफरेंट लोकेशन पे, या फिर उन फाइल्स की ओर लिंक करेगी जो कि सेम फोल्डर्स में मौजूद है। यानी कि मान लो इस स्प्रेडशीट में एक रिलेटिव हाइपरलिंक है जो कि इस स्प्रेडशीट पे लिंक करती है, यानी कि इस हाइपरलिंक पे क्लिक करके तुम इस स्प्रेडशीट पे जाओगे तो रिलेटिव हाइपरलिंक से तुम उन्हीं स्प्रेडशीट को कनेक्ट कर पाओगे जो कि सेम फोल्डर के अंदर मौजूद है। वहीं अगर हम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक की बात करें तो इसमें तुम किसी भी फाइल का यूआरएल दे सकते हो भले ही वो इस फोल्डर में हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसी सेम स्प्रेडशीट फाइल में एक यूआरएल है जो कि पूरा पाथ बताता है
कि वो रिसोर्स कहाँ पे लोकेटेड है। तो इस पूरे पाथ का एक URL होगा जो कि इस फाइल पे हमें रिडायरेक्ट करेगा, जो कि एक दूसरे फोल्डर में, सेम फोल्डर में नहीं है, राइट। ये चीज डिटेल में हमने DBMS चैप्टर में डिस्कस करी हुई है, एक बार IT का वन शॉट वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज। ठीक है, इंटरनेट हाइपरलिंक की बात करें तो एक ऐसी लिंक जो तुम्हें इंटरनेट पे मौजूद किसी वेब पेज या रिसोर्स पे रिडायरेक्ट करे, वो एक इंटरनेट हाइपरलिंक होती है। डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक वो लिंक होती है जो कि तुम्हें किसी डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक पार्ट पे रिडायरेक्ट करेगी या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे रिडायरेक्ट करेगी, डायरेक्ट विद इन द सेम स्प्रेडशीट और टू द अनदर स्प्रेडशीट। इंटरनेट हाइपरलिंक स्टार्ट होती है HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल के साथ, जिसके बाद डोमेन नेम होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यन इज टू मच वरीड, ये वाली चीज हम नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी हम इनको आंसर कर पाएंगे, तो डायरेक्ट इन्हें ही पढ़ लेते हैं। सजेस्ट हिम अ वे बाय विच ही कैन बी अश्योर्ड दैट ही इज डूइंग सिक्योर्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो हमें आर्यन को एक ऐसी चीज बतानी है जिससे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योर तरीके से कर पाए, तो हम आर्यन को ये सजेस्ट करेंगे कि वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिक्योर वेबसाइट्स पे करे। आर्यन कैन एंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस बाय ओनली एंटरिंग हिज फाइनेंशियल डिटेल ऑन सिक्योर वेबसाइट्स। सिक्योर वेबसाइट्स आइडेंटिफाई करने के लिए वो बेसिक ये स्टेप देख सकता है कि जो वेबसाइट है उसमें HTTPS प्रोटोकॉल यूज हो रहा हो, यानी जो वेबसाइट का URL है उसमें HTTP ना हो, HTTPS हो, राइट, और साइड में एक लॉक बना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही नीड्स टू इंस्टॉल इन हिज कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट हिज कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। अभी हमने ऊपर ये चीज देखी हुई थी कि मालवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। हेल्प हिम अंडरस्टैंड अबाउट फिशिंग। फिशिंग क्या होती है, मछली पकड़ने की बात तो बिल्कुल नहीं है ये। फिशिंग इज लाइक अ स्कैम वेयर अटैकर्स प्रिटेंड टू बी ट्रस्टवर्दी टू ट्रिक द पीपल इनटू गिविंग देम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। फिशिंग एक ऑनलाइन स्कैम है जिसमें सामने वाला बंदा एक ट्रस्टवर्दी पर्सन की तरह तुम्हारे पास आता है और तुम्हें कहता है कि तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो और अपनी डिटेल्स उसे दे सकते हो, और जैसे ही वो तुम्हारी डिटेल्स लेता है या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेता है उसके बाद वो उसका मिसयूज करता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तुमसे ले ली और तुम्हारा पैसा उसने उड़ा लिया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, ही ऑल्सो थिंक्स दैट कुकीज आर हार्मलेस। आर्यन ये समझता है कि कुकीज से कोई हार्म है ही नहीं, वो तो हार्मलेस है, तो उसे हमें एक्सप्लेन करना है कि कुकीज कैसे उसे हार्म पहुंचा सकती है। तो कुकीज़ के बारे में हमने पहले देखा था कि वो तुम्हारे ब्राउज़र पे इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है, किस किस बारे में। फॉर एग्जांपल वो तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती है, लॉगिन डिटेल्स स्टोर कर सकती है, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती है, और अगर कंप्यूटर में मालवेयर अटैक हो गया तो उन कुकीज़ को स्टील करके जो हमारे हैकर्स हैं वो तुम्हारा काफ़ी सारा घाटा करवा सकते हैं। तो इसलिए आर्यन भाई, कुकीज़ हार्मलेस तो नहीं है, घाटा तो कराती हैं भाई, इसलिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ड्यू टू पेंडेमिक एवरीवन, ये 20th क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है हमारा, बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं, ये गलती से आ गया है, ठीक है भाई, इसको हम नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई घाटा हमारा होगा नहीं। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है और दो ब्राउजर्स के बारे में बताना है, ठीक है, खाली नाम लिखना है उनका। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज दैट आर एक्सेस्ड वेयर इंटरनेट। तो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के इंटरकनेक्टेड सिस्टम को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ग्लोबली थ्रू वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड हाइपरलिंक। The WWW operates on the basis of hypertext, where users can navigate between documents by clicking on hyperlinks. अब interconnected documents का system तो ये है, इसमें अलग अलग documents को कैसे access करता है user? By clicking on the hyperlink. एक document में दूसरे document की link होती है, दूसरे में तीसरे की, ऐसे ही एक interconnected system होता है अलग अलग hypertext document का, जिसे कि हम WWW कहते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है जिसे कि यूजर एक्सेस कर सकता है इंटरनेट की मदद से। इसे डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में, और सिंस देन इट हैज बिकम अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट, इनेबलिंग कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो जब से ये फाउंड हुआ है तब से इंटरनेट का ये बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट बन चुका है। इसकी मदद से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर पाते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं ऑन अ ग्लोबल स्केल, ठीक है। दो कॉमनली यूज ब्राउजर्स हैं, गूगल क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि डेटा कैसे ट्रांसफर होता है ओवर द इंटरनेट, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। तो इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर होता है पैकेट स्विचिंग प्रोसेस को फॉलो करके। इस प्रोसेस में क्या होता है वो देखते हैं। इस प्रोसेस में जो डेटा है वो अलग अलग पैकेट्स में टूट जाता है। हर एक पैकेट के पास इन्फॉर्मेशन होती है कि उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है और उसका सोर्स क्या है। इन पैकेट्स को अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स के द्वारा भेजा जाता है, और जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तब ये रीअसेंबल होते हैं वहाँ पे, ताकि जो ओरिजिनल डेटा है उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, राइट। यानी कि मेन जो हमारा डेटा था वो पहले अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा,
अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा और इन पैकेट्स को हम दोबारा रीअरेंज करेंगे ताकि ओरिजिनल डेटा हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। इस तरीके से इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिव टू बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनेट सेफ्टी। दो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? पहला तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज करना, दूसरा अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स और डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज, राइट? जो ट्रस्टवर्दी सोर्सेज नहीं है वहां पे पहले तो विजिट ना करना और वहां पे जो सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं उन्हें इंस्टॉल ना करना। गिव एनी टू फॉल्स एंड स्लिप्स सेफ्टी रूल्स। तो फिसलने गिरने से बचने के लिए हमें क्या करना है? जो हमारा मूविंग एरिया है उसे हमें क्लीन और क्लटर फ्री रखना है। जो वर्क स्पेस है उसे प्रॉपरली वेंटिलेटेड रखना है ताकि वहाँ पे लाइट आ सके और अंधेरे में हम किसी चीज से टकरा के ना गिर जाएं। तीसरा, वेयर नॉन स्लिपरी फुटवेयर। ऐसे फुटवेयर पहनना जो इजिली फिसले ना, राइट? SQL कमांड्स DBMS चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। IT के एग्जाम में हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम SQL कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें पता लग सके कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, राइट? कमांड्स तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक वीडियो में बताए हुए हैं, 10 मिनट्स में तो मैंने तुम्हें सारे SQL कमांड्स बताए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बट अभी हम कमांड्स भी जानेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो पहले बेसिक दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिसके बारे में 2 मार्कर क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में इन्हें 1 मार्कर में भी पूछा जाता है बहुत बार। पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL और दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। DDL कमांड्स का यूज होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए, राइट? इसकी मदद से तुम डिफाइन करते हो, मॉडिफाई करते हो और मैनेज करते हो डेटाबेस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को। इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है? क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की मदद से जो डेटाबेस में डेटा अवेलेबल है ना उसको तुम मैनिपुलेट करते हो। इसकी मदद से तुम डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। किस में से? डेटाबेस टेबल्स में से। और टेबल्स तुमने कहाँ डिफाइन करी थी, किससे डिफाइन करी थी? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से, राइट? तो कॉमन DML कमांड्स कौन कौन सी है? सिलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है और डिलीट है। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहली कमांड है क्रिएट टेबल कमांड, जिसकी मदद से ऑब्वियसली नाम से ही तुम्हें पता लग रहा है कि टेबल क्रिएट करते हैं इस कमांड की मदद से। इसका सिंटैक्स यानी रूल हम देखेंगे, सारे ही जो कमांड्स हम पढ़ेंगे ना पहले उसका रूल देखेंगे कि किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, राइट? उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। तो जब मैं तुम्हें रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो तुम्हें चीज़ें हो सकता है समझ में नहीं आए, तो थोड़ा सा वेट करना जब तक मैं तुम्हें एग्जांपल ना समझाऊं, क्योंकि एग्जांपल जब हम देखेंगे तो तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा कि सिंटैक्स क्या है, ठीक है? तो क्रिएट टेबल का पहले हम सिंटैक्स देखते हैं किस तरीके से कमांड को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नेम, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा और column 1 फिर उसका डेटा टाइप, column 2 का नेम फिर उसका डेटा टाइप, column 3 फिर उसका डेटा टाइप। इन सबको हम एक कॉमा से सेपरेट करेंगे और पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज कर देंगे और सेमी कॉलन आएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, रूल है। इसको अप्लाई कैसे करना है एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल ये कमांड है, उसके बाद टेबल नेम स्टूडेंट्स, टेबल नेम स्टूडेंट्स, पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट ID यानी कॉलम नेम, कॉलम 1 का नेम, फिर उसका डेटा टाइप इंटीजर, फिर कॉलम 2 का नेम जो कि है नेम, इसका डेटा टाइप है वारचार, फिर है column 3, column 3 का नेम हमने ग्रेड लिखा है यहाँ पे, और इसका है हमारा डेटा टाइप character 1। बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, वारचार और 4, ठीक है? इसके बाद एक और डेटा टाइप होता है, वो है डेट। इंटीजर डेटा टाइप की मदद से इंटीजर तुम स्टोर कर सकते हो, ठीक है? वारचार यानी वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, इसमें तुम एक मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई कर लो और इसकी मदद से हम वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, फॉर एग्जांपल किसी का नेम जो है वो बड़ा है, उसमें 10 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दूसरे का नेम छोटा है उसमें 4 ही कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम एक वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करते हैं जिसमें हम मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके बाद जो भी तुम्हारा नेम है तुम उतना ही एंटर करो और उतना ही स्पेस वो डेटाबेस में ऑक्यूपाई करेगा, राइट? कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ होता है जब तुम्हें पता होता है कि हमें फिक्स लेंथ रिकॉर्ड को स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल ग्रेड जब हम स्टोर कर रहे हैं तो ABCD एक ही कैरेक्टर आएगा, तो हमें पता है कि इसमें एक ही कैरेक्टर यूज़ हो रहा है, तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे और उसकी लेंथ स्पेसिफाई कर देंगे 1। इसमें तुम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 स्पेसिफाई करके 2 चीज़ें डाल दो, या तुमने 10 स्पेसिफाई करी और एक ही चीज़ डाली तो फिर भी ये स्टोरेज 10 के बराबर ही लेता है। तो इसलिए जब हमें वेरिएबल कैरेक्टर स्टोर करने होते हैं तो वारचार यूज़ करते हैं। जब हमें एग्जैक्टली पता है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग्स में कितने कैरेक्टर्स हैं तब हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। डेट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं डेट को स्टोर करने के लिए, ये तुम्हें नाम से ही पता लग रहा है इसके। तो डेटा टाइप जानने के बाद टेबल क्रिएट करना ईजी हो जाता है, राइट? अगर एग्जाम्पल टेबल देने के बाद ये पूछा जाए कि कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप बताओ तो अब तुम बता पाओगे, राइट? कॉलम नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं और डेटा टाइप कौन सा यूज़ होगा वो तुम कॉलम नेम को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट की टेबल बन रही है तो उसमें स्कोर अगर स्टोर करना है तो इंटीजर डेटा टाइप यूज़ होगा, अगर नेम स्टोर करना है तो वेरिएबल कैरेक्टर यूज़ होगा, राइट? और अगर डेट स्टोर करनी है मैच कब हो रहा है
तो डेट डेटा टाइप यूज होगा राइट। नेक्स्ट कमांड है हमारा सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड की मदद से हम डेटाबेस टेबल में जो भी हमारा डेटा है उसे रिट्रीव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं सिलेक्ट कमांड के साथ साथ। या तो तुम पर्टिकुलर किसी कॉलम को सिलेक्ट करोगे, कॉलम वन, या फिर तुम सब चीज़ सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट ऑल, या फिर तुम सब चीज़ सिलेक्ट करने के बाद उसे फिल्टर कर लोगे, तो फिल्टर करने के लिए वेयर कमांड का यूज़ होता है सिलेक्ट के साथ, ठीक है। या फिर तुम सिलेक्ट करने के बाद उसे अरेंज करोगे, यानी उसे ऑर्डर करोगे, ऑर्डर बाय का यूज होता है सिलेक्ट के साथ। तो ये चार कंडीशंस होती हैं जो कि सिलेक्ट कमांड के साथ यूज होती हैं। पहला केस है हमें सारे कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं एक टेबल से, यानी सिलेक्ट करने, तो हम कौन सा सिंटैक्स यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार, ठीक है। ये स्टार बना हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी फ्रॉम टेबल नेम, फिर सेमी कॉलन के साथ ये चीजें एंड होंगी, ठीक है, इसको लिखना मत भूलना। अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम निकालना है किसी टेबल में से तो हम क्या लिखेंगे कमांड, सिलेक्ट कॉलम वन, कॉलम टू, यहाँ पे कॉलम का नेम आएगा, फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, फिर सेमी कॉलन के साथ ये एंड हो जाएगा, सेमी कॉलन ऐसा होता है। टू सिलेक्ट डेटा बेस्ड ऑन अ कंडीशन, अब हमें डेटाबेस टेबल में से डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे। अभी हम एग्जांपल में इसे अच्छे से समझेंगे। तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल नेम जहाँ पे ये कंडीशन मीट हो रही हो, यानी वेयर कंडीशन, अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। अब हमें डेटा सिलेक्ट भी करना है और पर्टिकुलर कॉलम के अनुसार उसे अरेंज भी करना है, तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल ऑर्डर बाय कॉलम नेम। ऑर्डर बाय में दो चीज़ें होती हैं, अगर तुम कुछ नहीं लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो जाएगा, यानी छोटे से बड़ा, और अगर तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो तुम्हें DESC लिखना पड़ेगा इसके बाद, यानी ऑर्डर बाय कॉलम नेम, और फिर DESC लिखने के बाद तुम सेमी कॉलन लगाओगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं अच्छे से। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें हमें ये टेबल दे रखी है, टेबल है हमारी डेट शीट, ठीक है। तो हमें एक SQL कमांड लिखनी है टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाई डेट ऑफ एग्जाम, यानी इस कॉलम के अनुसार हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके डिस्प्ले करना है। तो हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट एवरीथिंग, सिलेक्ट स्टार, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट, फ्रॉम डेट शीट, ये हमने ऊपर पे इसका सिंटेक्स देखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यानी सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेट शीट, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, किस कॉलम के अनुसार हमें ऑर्डर करना है, कॉलम है डेट ऑफ एग्जाम जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ऑलरेडी। दूसरा हमें क्या लिखना है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट, यानी सब कुछ हमें डिस्प्ले करना है तो ये हम यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट, तो इससे सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम एंड डेट ऑफ एग्जाम हेल्ड ऑन मंडे, अब हमें यहाँ पे वेयर कंडीशन का यूज करना पड़ेगा, हमें क्या क्या चीजें डिस्प्ले करनी है तो उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करना है क्या, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम ये है कॉलम का नेम, सब्जेक्ट नेम हमने सिलेक्ट किया, और क्या सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ एग्जाम कॉमा डेट ऑफ एग्जाम, कहाँ से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम डेट शीट, वेयर, अब हम कंडीशन लिखेंगे, वेयर डेज इज इक्वल टू मंडे। अब जब हम कंडीशन वाला यूज करते हैं ना, वेयर कंडीशन, वेयर इज इक्वल टू, अब अगर यहाँ पे अगर सैलरी लिखी होती तो हम डायरेक्ट उसे 6000 ऐसा कुछ तो नंबर लिख लेते, बट क्योंकि यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स दिए हुए हैं तो मंडे को हम ऐसे कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, अगर नंबर है तो डायरेक्ट तुम लिख दोगे, और अगर कोई अल्फाबेट्स दिए हुए हैं तो ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तुम उसे लिखोगे। नेक्स्ट हमारा SQL कमांड हमें क्या लिखना है, राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले द डेट ऑफ एग्जाम एंड सब्जेक्ट नेम, दो कॉलम हमें डिस्प्ले करने हैं, तो सिलेक्ट सब्जेक्ट नेम कॉमा डेट ऑफ एग्जाम फ्रॉम डेट शीट टेबल वेयर सब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू साइंस। नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं, अपडेट, अब हमें टेबल में कोई वैल्यूज़ को अपडेट करना है तो वो कैसे करेंगे, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम वन इज इक्वल टू वैल्यू वन कॉमा कॉलम टू इज इक्वल टू वैल्यू टू वेयर कंडीशन, ठीक है, ये सिंटेक्स है। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कैसे करना है, ये एक तुम्हें टेबल दे रखी है, इसमें तुमने अपडेट कमांड लगाया, अपडेट टेबल नेम, टेबल का नेम है एम्प्लॉय, ठीक है, इसमें हमें क्या अपडेट करना है, सेट सैलरी कॉलम, कॉलम वन यानी कॉलम का एक नाम हमने डाला जो कि है सैलरी वाला कॉलम, सेट सैलरी इज इक्वल टू 62000। अब अगर तुम इसमें वेयर कंडीशन नहीं लगाओगे तो सबकी सैलरी 62000 हो जाएगी, इसलिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 3, यानी एम्प्लॉय आईडी जहां पे 3 है उसकी सैलरी को 62000 कर दो। एक और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, इससे तुम्हारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, तो हमें सारे एम्प्लॉय की डिटेल डिस्प्ले करनी है, वेयर यानी कंडीशन दे रखी है, यानी सेल्स डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है, क्वेश्चन में डिपार्टमेंट लिखा हुआ है बट हम कंडीशन जब लगाएंगे ना तो कॉलम का नेम लिख रहे होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहला हमारा जो कमांड है वो है सिलेक्ट एवरीथिंग, तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स, अब देखो यहाँ पे अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स थे तो हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाया है और एंड करा है सेमी कॉलन के साथ, ठीक है। टू इंक्रीज द सैलरी बाई 1000, यानी सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 1000 हमें करना है, सैलरी प्लस 1000 यानी इंक्रीज करना है सैलरी में।
वेयर इम्प्लॉय आईडी इज 1007, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अपडेट इम्प्लॉय, हमें अपडेट कर रहे हैं ना, तो अपडेट कमांड का यूज होगा, अपडेट इम्प्लॉय यानी टेबल नेम। हमें सेट क्या करना है, सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 1000 वेयर इम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1007 टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द इम्प्लॉयज हुज सैलरी इज मोर देन 10000। अब हमें डिटेल्स डिस्प्ले करनी है सारे इम्प्लॉयज की, तो हम इसमें सिलेक्ट फ्रॉम इम्प्लॉय सारी डिटेल्स डिस्प्ले करेंगे वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। अब हमने जब कंडीशन लिखी ना यहाँ पे, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10000, ये जब हमने लिखा तो हमने इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, और जब हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे थे और यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स दिए हुए थे तो कैरेक्टर्स में हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए थे, राइट, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट हमें लास्ट कमांड लिखनी है, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, सैलरी के हिसाब से हमें इसमें ऑर्डर बाई वाला कमांड लगाएंगे, और डिस्प्ले के लिए तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। तो कैसे करना है, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम यानी एम्प्लॉय टेबल है, और ऑर्डर बाई सैलरी DESC, अगर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो हम इसे DESC लिखते भी नहीं, तो ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्प्ले होता, पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था तो हमने DESC लिखा और सेमी कॉलन के साथ इसे एंड कर दिया, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं तब समझ आएगा, थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये, इसलिए ज़्यादा एग्जांपल्स हैं इसके। स्टूडेंट टेबल दी हुई है, इसमें हमें एक कमांड लिखनी है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस। अब देखो डिटेल्स तो डिस्प्ले करनी है सारे स्टूडेंट की, यानी स्टार तो हमारा यूज़ होगा यहाँ पे, बट एक कंडीशन भी दी हुई है, ग्रीन हाउस, वेयर हाउस इज इक्वल टू ग्रीन। कैसे लिखना है इसे देखते हैं, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर हाउस इज इक्वल टू ग्रीन। अब देखो ग्रीन था ना, तो इसे हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। टू इंक्रीज द मार्क्स बाई वन हुज एडमिन नंबर इज 1005, तो 1005 वाले के मार्क्स हमें 5 से इंक्रीज कर देने हैं, तो मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 वेयर एडमिन नंबर इज 1005। इसको लिखना कैसे वो देखते हैं, अपडेट कमांड हम यूज करेंगे, ऑब्वियसली चेंजेस कर रहे हैं, अपडेट स्टूडेंट टेबल, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट, सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 वेयर एडमिन नंबर इज इक्वल टू 1005, इस सेमी कॉलन के साथ इसे हम एंड कर देंगे। तीसरा है हमारा टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 80, ये तो तुम कर सकते हो, राइट, सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे क्योंकि डिस्प्ले करने हमें डिटेल्स सारे स्टूडेंट के, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है, वेयर, अब हमें कंडीशन दी हुई है वेयर मार्क्स लेस देन 80, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा देंगे। इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर मार्क्स आर लेस देन 80, और सेमी कॉलन के साथ इसे हम एंड कर देंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारी लास्ट है, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स, यानी डिस्प्ले करना है, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स DESC और सेमी कॉलन। अब अगर तुम कन्फ्यूज्ड हो कि यार इसको हम कैपिटल लिखें या स्मॉल में लिखें, तो देखो यूजुअली हम कमांड्स को कैपिटल में लिखते हैं, और उसके साथ साथ जैसा हमें टेबल में कॉलम का नाम दिया होता है वैसा ही हमें लिखना होता है, बट यूजुअली इससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट देखने में ये अच्छा लगता है और एक कॉमन नोशन है कि ऐसे ही लिखी जानी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो कोशिश करना कमांड्स को कैपिटल में लिखना, और जैसे जैसे कॉलम के नेम दिए होंगे उन्हें उसी कैपिटलाइजेशन में लिखना। फॉर एग्जांपल मार्क्स हमें यहाँ पे कैपिटल में दिया हुआ है तो कैपिटल में ही लिखना, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्मॉल में लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि स्मॉल में लिखना है कैपिटल में लिखना है, तो कमांड्स को हम कैपिटल में लिखते हैं और जैसा हमें कॉलम में नाम दिया होता है वैसा हम लिखते हैं, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल ऑर्डर इज गिवन, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सूटेबल डेटा टाइप बताना है हमें, तो इसका तो हो जाएगा वारचार, इसका हो जाएगा डेट, हो जाएगा डेटा टाइप, इसका भी वारचार हो जाएगा, और इसका डेसिमल डेटा टाइप हो जाएगा, है ना, वारचार, डेट, वारचार, डेसिमल। डेटा टाइप हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किए थे कुछ टाइम पहले, तो आई होप तुम्हें ये याद होंगे। वारचार यानी वेरिएबल कैरेक्टर इसमें स्टोर होता है, इसमें डेट स्टोर होती है, डेसिमल में डेसिमल स्टोर होते हैं, इंटीजर में होल नंबर स्टोर होते हैं, और कैरेक्टर डेटा टाइप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि कितने लेंथ की कैरेक्टर हमें स्टोर करनी है, फिक्स्ड कैरेक्टर लेंथ स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज होता है, राइट। अब हमें बुक्स टेबल दे रखी है, टेबल का नाम बुक्स दे रखा है, हमें उसके लिए कुछ SQL क्वायरीज लिखनी है, ठीक है। डिस्प्ले करना है डेटा सारी बुक्स का जहाँ पे क्वांटिटी इज मोर देन 3, यानी वेयर कमांड का यूज होगा, ठीक है। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम बुक्स वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 3, ये तो आसान था। डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द बुक्स हुज प्राइस इज लेस देन 500, टोटल अमाउंट तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे हिंट हमें दे रखा है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो ऐसे ही हम इसे डिस्प्ले कर लेंगे, राइट। सिलेक्ट क्वांटिटी इंटू प्राइस From books table where price is less than 500, ये वाला थोड़ा ट्रिकी था, आई होप तुम समझ पाए होगे हमने क्या किया। यूजअली हम क्या करते हैं कि कॉलम नेम को सिलेक्ट करते हैं, राइट, सिलेक्ट कॉलम नेम लिखते हैं उसके बाद, या फिर हम सिलेक्ट एवरीथिंग स्टार बना देते हैं,
बट यहाँ पे तो हमें कॉलम दिया ही नहीं हुआ था अमाउंट का, बट हमें हिंट दिया हुआ था कि अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो हमने क्या चीज़ सिलेक्ट करी, यानी हमने क्या चीज़ डिस्प्ले करनी थी, हमने टोटल अमाउंट डिस्प्ले करना था ना, यानी हमने क्वांटिटी इनटू प्राइस डिस्प्ले करना था। तो हमने सिलेक्ट कमांड की मदद से क्वांटिटी इनटू प्राइस को डिस्प्ले किया, सिलेक्ट क्वांटिटी इनटू प्राइस कहाँ से, फ्रॉम टेबल नेम, यानी बुक्स, टेबल का नाम बुक्स है, और कंडीशन दी हुई थी वेयर प्राइस इज लेस देन 500, वेयर प्राइस इज लेस देन 500। आई होप तुम्हें समझ आया होगा ये वाला। यूजुअली हम सिलेक्ट कमांड की मदद से डिस्प्ले करते हैं, क्या चीज़ डिस्प्ले करते हैं, या फिर सब, या तो सब कुछ डिस्प्ले कर देते हैं स्टार यूज़ करके, या फिर पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखते हैं उसे डिस्प्ले करते हैं, या फिर डिस्प्ले करने के लिए पर्टिकुलर कंडीशन का यूज़ करते हैं, या उसे ऑर्डर कर देते हैं, राइट। इसमें हमें डिस्प्ले करने के लिए जो कॉलम, इसमें हमें जो चीज़ डिस्प्ले करनी थी वो चीज़ टेबल में नहीं दी हुई थी, अमाउंट तो कहीं दिया नहीं हुआ है, बट हमें हिंट दिया हुआ था कि अमाउंट कैसे निकलेगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस करके। तो हमें डिस्प्ले तो अमाउंट करना था, अमाउंट डिस्प्ले कैसे करेंगे, सिलेक्ट क्वांटिटी इनटू प्राइस से, राइट, फ्रॉम बुक्स वेयर प्राइस इज लेस देन 500, और सेमी कॉलन लगा के इसे हम एंड कर देंगे। इसके बाद हमारा वन मार्कर क्वेश्चंस का सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, बट क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम डिस्क्रिप्शन से इस PDF को डाउनलोड करो और खुद से वन मार्कर क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि इसके आंसर बहुत छोटे हैं, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसको तुम्हें याद ही करना पड़ेगा खुद से। तो PDF डिस्क्रिप्शन में है, बाकी क्वेश्चंस को भी रिवाइज करो सबसे पहले, और वन मार्कर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि सैम्पल पेपर तुमने देखा होगा तो तुम्हें पता है कि वन मार्कर क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IT के एग्जाम, राइट। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।